नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके पसंदीदा चैनल न्यू टेक गैजेट पर। और दोस्तों हाजिर हूँ एक बार फिर से आपके सामने ढेर सारे अमेजिंग गैजेट के साथ। आज की हम अपनी इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको कुछ ऐसे टॉयज के बारे में जो कि काफी ज्यादा हाईटेक एंड अमेजिंग है। तो जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। और अगर आप इस गैजेट की दुनिया से और भी ज्यादा जुड़ना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे चैनल न्यू टेक गैजेट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप इनमें से किसी भी गैजेट को खरीदना चाहते हैं तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने पहले गैजेट की ओर, नर्फ असेंबलर गियर। दोस्तों बच्चों को गन से खेलना तो हमेशा से पसंद रहा है, लेकिन अगर आपके बच्चे भी एवेंजर्स के फैन रहे हो तो आप खरीद सकते हैं इस तरीके का एक एडवांस गैजेट। दोस्तों इस गैजेट को आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है। इसमें एक प्लास्टिक शील्ड लगी होती है जो देखने में कैप्टन अमेरिका की शील्ड जैसी ही लगती है, लेकिन इसकी डिजाइन को कुछ इस तरीके से रखा गया है कि ये देखने में आयरन मैन की सूट की तरह लगे। इसे आप अलग अलग तरीके से लगभग 100 से भी ज्यादा तरीकों से असेंबल कर सकते हैं। इसके साथ आपको कुछ डार्ट्स मिलती हैं जिनका इस्तेमाल आप के लिए कर पाएंगे। ये गन पूरी तरीके से सेफ होती है और खास तौर से इसे बच्चों के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों अगर आपके घर में भी बच्चे एवेंजर्स के फैन हो तो ये गैजेट खास उन्हीं के लिए बनाया गया है। ओली रोबोट। दोस्तों रोबोटिक्स की दुनिया में हम लोगों ने काफी सारे ऐसे गैजेट्स देखे हैं जो हैरान करने वाले हैं, लेकिन बात अगर रेसिंग रोबोट्स की करी जाए तो आपको ये गैजेट काफी ज्यादा पसंद आएगा। साइज में छोटा ये रोबोट देखने में काफी ज्यादा रफ एंड टफ लगता है, लेकिन ये उतना ही ज्यादा तेज है अपनी एक्टिविटीज में भी। बेसिकली इस रोबोट को ऐसे सर्फेसेस के लिए बनाया गया है जिनमें आम रोबोट आसानी से न चल पाते हों। इसका स्पेशलाइज डिजाइन इसे किसी भी सर्फेस पर चलने लायक बनाता है। ये 14 माइल पर आवर की स्पीड से आसानी के साथ चल सकता है। इसकी रेंज की अगर बात करी जाए तो ये 100 फीट की रेंज को मेंटेन रखता है, यानी कि आप 100 फीट तक इसे कहीं भी आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे। इसमें एक बैटरी लगी होती है जो कि माइक्रो यूएसबी पोर्ट से चार्ज होती है। ये आपको 1 आवर का प्ले टाइम देता है जिसमें कि आप इसे इस्तेमाल कर सकेंगे। तो दोस्तों अगर आपको एक रेसिंग रोबोट चाहिए हो जो कि काफी ज्यादा एक्टिव हो तो इससे बेहतर आपके लिए कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। रिजॉर्ट टर्बोजेट्स। दोस्तों अगर आप स्केटिंग के शौकीन हैं तो आपको ये गैजेट काफी ज्यादा पसंद आएगा। ये एक ऐसा टर्बोजेट होता है जो कि इलेक्ट्रिक पावर्ड होता है। देखने में तो ये एक नॉर्मल स्केट्स की तरह लगते हैं, लेकिन इसमें बैटरी ऑपरेटेड व्हील्स लगे होते हैं जिनकी मदद से आप आसानी से राइडिंग का मजा ले सकते हैं। इसमें लगी लिथियम आयन बैटरी लगभग 30 मिनट में फुल चार्ज हो जाती है। ये फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है जिसकी वजह से इसे चार्ज करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 10 माइल पर आवर की होती है, जो कि हालांकि थोड़ी सी कम होती है, लेकिन इसे खास तौर पर बच्चों के लिए बनाया गया है जिससे कि वो आसानी से स्केट राइडिंग सीख पाएं। पावर अप 3.0 पेपर ड्रोन। दोस्तों बचपन में तो आपने काफी सारे कागज के प्लेन बनाकर उड़ाए होंगे, लेकिन समय के साथ साथ हम लोग अपने बचपने को भी भूलते चले आए। लेकिन अगर आप भी अपने बचपन की इस याद को ताजा करना चाहते हैं तो ये गैजेट खास आपके लिए ही बना है। दोस्तों इस गैजेट की मदद से आप किसी भी पेपर प्लेन को एक ड्रोन की तरह इस्तेमाल करते हैं। जो हम लोग छोटे में पेपर प्लेन उड़ाया करते थे वो अनकंट्रोल्ड होते थे, लेकिन ये गैजेट आपके किसी भी पेपर प्लेन को एक ड्रोन की शक्ल दे सकता है। दोस्तों इस ड्रोन को आप अपने मोबाइल फोन से भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके ऑफिशियल ऐप से इसे 5 माइल पर आवर की स्पीड में फ्लाई कर पाएंगे। साथ ही ये आपको 10 मिनट का मैक्सिमम फ्लाइट टाइम देता है, जो कि इस ड्रोन के साइज को देखते हुए काफी ज्यादा है। दोस्तों इस ड्रोन की सबसे ज्यादा खास बात ये होती है कि ये पूरी तरीके से क्रैश प्रोन होता है, यानी कि इस पे क्रैश का कोई भी असर नहीं पड़ता। तो दोस्तों इस गैजेट के साथ एक बार फिर से तैयार हो जाइए कागज के एरोप्लेन उड़ाने के लिए। टेलो ड्रोन। दोस्तों ड्रोन्स के साथ खेलना तो किसको पसंद नहीं, और अगर आप भी ड्रोन से खेलने के शौकीन हो तो आपको ये ड्रोन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। दोस्तों बेसिकली इसे बनाया गया है फोटोग्राफी पर्पस, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे काफी सारे अमेजिंग स्टंट भी करा सकते हैं। ये थ्रो गो सिस्टम पर काम करता है, यानी कि आप अपने हाथों से भी इसे टेक ऑफ करा सकते हैं। साथ ही इसे कंट्रोल करना भी बेहद आसान होता है। आप चाहें तो इसे अपने मोबाइल फोन से या गेमिंग स्टिक से भी कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरीके के ड्रोन्स का इस्तेमाल लाइव स्ट्रीमिंग के लिए भी किया जा सकता है। साथ ही इसमें VR हेडसेट कंपैटिबिलिटी भी होती है, जिससे कि आप VR की मदद से लाइव स्ट्रीमिंग को देख सकते हैं। दोस्तों इसमें एक लिथियम आयन बैटरी इनबिल्ट होती है जो कि इसको 13 मिनट का फ्लाइट टाइम अवेलेबल कराती है। और बात अगर इसकी रेंज की करी जाए तो ये 100 मीटर तक की रेंज में कहीं भी जा सकता है। साथ ही इसमें 5 मेगापिक्सल का एक छोटा सा कैमरा इनबिल्ट होता है जो कि इंटेल इमेज प्रोसेसर के साथ आता है। ये आपको 720 पिक्सल का HD ट्रांसमिशन अवेलेबल कराता है, साथ ही आपको एक स्टेबलाइज फुटेज देता है। तो दोस्तों DJI का ये खास ड्रोन आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। स्पैक ड्रम बाय स्फीरियो।
दोस्तों अगर आपको म्यूजिक का शौक हो तो ये गैजेट आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा। दोस्तों वैसे तो म्यूजिक लवर फिंगर टैपिंग करके काफी सारी साउंड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन इसे थोड़ा सा प्रोफेशनल वे देने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस खास गैजेट का। दोस्तों इस गैजेट को बेसिकली एंटरटेनमेंट पर्पस बनाया गया है। दोस्तों देखने में तो ये एक छोटी सी रिंग होती है जिसे आपको नॉर्मली अपनी उंगलियों पर पहनना होता है, लेकिन इसकी खास बात ये होती है कि ये अलग अलग कलर्स पे अलग अलग तरीके की साउंड प्रोड्यूस करती है जिसे आप इसके ऑफिशियल ऐप पर सुन सकते हैं। दोस्तों इस तरीके के गैजेट का इस्तेमाल आप मस्ती करने के लिए तो कर ही सकते हैं, लेकिन ये गैजेट म्यूजिक कंपोज करने में भी काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। दोस्तों इसका प्ले टाइम 2 आवर्स का होता है, यानी कि आप इसे सिंगल चार्ज पर 2 घंटे तक इस्तेमाल कर पाएंगे। साथ ही ये मोबाइल ब्लूटूथ कनेक्टिविटी को भी सपोर्ट करता है जिसकी मदद से ये जनरेट की गई साउंड को आप तक पहुंचाता है। तो दोस्तों अगर आप भी म्यूजिक का शौक रखते हो तो ये छोटा सा गैजेट काफी ज्यादा मजेदार साबित हो सकता है आपके लिए। टॉय बॉक्स। दोस्तों अगर आप अपने बच्चों के लिए एक ऐसा क्रिएटिव टॉय ढूंढ रहे हो जिससे कि वो काफी कुछ सीख सके तो ये गैजेट आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों ये एक 3D प्रिंटर होता है जिसकी मदद से आप काफी सारी डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। जो नॉर्मल टॉयज आते हैं वो एकदम फिक्स्ड शेप होते हैं जिनका इस्तेमाल करने से किसी भी तरीके की कोई भी क्रिएटिविटी नहीं आती, लेकिन ये गैजेट उन्हें इंस्पायर करता है नए नए टॉयज बनाने के लिए जिन्हें वो इनके ऑफिशियल ऐप से जनरेट कर पाएंगे। साथ ही इसके ऑफिशियल ऐप में काफी सारे टॉयज के ऑप्शंस भी होते हैं जिसे आप वहां से भी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन ये 3D प्रिंटर आपको क्रिएटिविटी दिखाने के काफी सारे ऑप्शंस देता है। आप इसमें खुद की भी डिजाइन बना सकते हैं और उसे आसानी के साथ प्रिंट कर सकते हैं। ये आपके बच्चों में एक अलग से कॉन्फिडेंस जनरेट करता है और दोस्तों इस गैजेट की मदद से स्कूल प्रोजेक्ट्स को भी बनाना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप भी अपने बच्चों को एक क्रिएटिव एनवायरनमेंट देना चाहते हैं तो ये गैजेट उसमें एक अहम रोल अदा कर सकता है। DJI RoboMaster S1। दोस्तों आपने काफी सारे रोबोट्स देखे होंगे, लेकिन अगर बात करी जाए एजुकेशनल रोबोट की तो दोस्तों ये गैजेट आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा। इस रोबोट की खास बात ये होती है कि इसे खास तौर पर फिजिक्स के नियमों को समझने के लिए बनाया गया है। ये रोबोट 46 छोटे छोटे कंपोनेंट से मिलकर बना होता है जिन्हें आप जैसे भी चाहें असेंबल कर सकते हैं, यानी कि ये रोबोट आपके लिए एक DIY प्रोजेक्ट की तरह होता है। दोस्तों इस रोबोट में 6 प्रोग्रामेबल AI मॉड्यूल्स होते हैं जिन्हें आप स्क्रैच और पाइथन की मदद से कोड कर सकते हैं। इस रोबोट की मदद से फिजिक्स के लॉस को समझना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। इसमें आप काफी सारे फिजिक्स के लॉस को अप्लाई कर सकते हैं और उन्हें डीपली समझ सकेंगे। एक एजुकेशनल रोबोट होने के साथ साथ ये गैजेट आपके लिए एक परफेक्ट गेमिंग गैजेट की तरह भी काम करता है। इस रोबोट को आप बैटल ग्राउंड में अपने रेसिंग गैजेट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इसमें इंटेलिजेंट सेंसिंग आर्मर इनबिल्ट होता है जिसकी मदद से ये बैटल ग्राउंड में बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है। तो दोस्तों अगर आप भी एक ऐसा एजुकेशनल रोबोट चाहते हो जो कि आपको समय समय पर एंटरटेन भी कर सके तो इस तरीके का गैजेट काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है आपके लिए। K5 क्लाइंबर RC क्लाइंबिंग कार। दोस्तों आपने काफी सारे रोबोट्स मार्केट में देखे होंगे, लेकिन ये गैजेट आपको वाकई हैरान कर देगा। दोस्तों जो नॉर्मल रोबोटिक गैजेट्स आते हैं उनमें क्लाइंबिंग एबिलिटी नहीं होती, यानी कि वो बेसिकली प्लेन सरफेस पर चलने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन दोस्तों इस रोबोटिक कार की खास बात ये होती है कि ये किसी भी सरफेस पर आसानी से चल सकता है। दोस्तों नॉर्मल ऐसे काफी सारी जगह होती है जहां पर उबड़ खाबड़ जमीन होती है जहां पर किसी भी तरीके के रोबोट काम नहीं करते, लेकिन इस रोबोट को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये किसी भी तरीके की रफ एंड टफ सिचुएशन में भी आसानी के साथ काम कर सकता है। दोस्तों इस तरीके का गैजेट सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बैटल ग्राउंड्स में ऐसी काफी सारी सिचुएशन होती है जहां पर आम आदमी या किसी भी नॉर्मल रोबोट का जाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन ये गैजेट पूरी तरीके से परफेक्ट है ऐसी सिचुएशंस के लिए। माउस और रोबोट्स फॉर कैट्स। दोस्तों बचपन में टॉम एंड जेरी तो आपने यकीनन देखा होगा और आपने ये भी देखा होगा कि टॉम किस तरीके से जेरी के पीछे पड़ा रहता था। तो दोस्तों हमारा अगला गैजेट भी कुछ ऐसा ही है। दोस्तों ये एक माउजर रोबोट है जो कि खास तौर पर कैट्स के लिए बनाया गया है, और अगर आपके घर में भी एक छोटी सी कैट हो तो उसके खेलने के लिए इस तरीके का गैजेट काफी ज्यादा परफेक्ट है। दोस्तों किसी भी पेट की हेल्थ उसकी डेली की गई एक्सरसाइज पर डिपेंड होती है और उसका खेलना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो दोस्तों इस तरीके का रोबोट इंडोर एक्सरसाइज के लिए काफी ज्यादा हो जाता है किसी भी पेट के लिए। ये एक बेहद एक्टिव रोबोट होता है जो कि अपनी टेल से आपके पेट को अट्रैक्ट करता है जिससे कि वो उसके साथ खेल सके। पैरट मैम्बो।
दोस्तों अगर आपको ड्रोन से स्टंट करना पसंद है तो ये गैजेट आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। दोस्तों ये एक कन्वर्टेबल ड्रोन होता है जिसे आप अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं। इसे बेसिकली स्टंट करने के लिए बनाया गया है, लेकिन इसके अपर सेक्शन पे कुछ माउंट्स दे रखे होते हैं जहां पर आप FPV कैमरा को इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसमें कैनन को भी लगा सकते हैं जो कि गेमिंग पर्पस आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है। साथ ही इसमें छोटे छोटे दो रोबोटिक हैंड्स भी दिए होते हैं जिनका इस्तेमाल आप स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को होल्ड करने के लिए कर सकते हैं। दोस्तों इस गैजेट को इस्तेमाल करना भी बेहद आसान होता है, ये नॉर्मली आपके मोबाइल फोन से आसानी के साथ कंट्रोल हो सकता है। तो दोस्तों अगर आप भी ड्रोन से स्टंट कराने के शौकीन हो तो ये गैजेट खास आपके लिए।